एनआईटी हमीरपुर का 12वां दीक्षांत समारोह संस्थान के सभागार में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री, युवा मामले एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। ये जानकारी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर ललित अवस्थी ने दी। पत्रकारों वार्ता करते हुए प्रोफेसर अवस्थी ने बताया कि 11 दिसंबर को होने वाली दीक्षांत समारोह में यूजी और पीजी के अलावा पीएचडी स्तर पर कुल 1057 उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इनमें पीएचडी, एमटेक दोहरी उपाधि, एम आर्किटेक्ट, एमएससी, एमबीए की उपाधि और डिप्लोमा भी सम्मिलित हैं। कल 11 तारीख को संस्थान की 12वीं कन्वोकेशन होने जा रही है। जो 12वीं कन्वोकेशन एनआईटी हमीरपुर की है, इसके मुख्य अतिथि हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और इनके पास स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का भी चार्ज है। इसी 12वीं कन्वोकेशन में हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, जो कि भारत सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, और साथ में स्पोर्ट्स का भी इनके पास चार्ज है। इस कन्वोकेशन में टोटल 1057 डिग्रीज दी जाएंगी। इनमें से टोटल 617 बीटेक डिग्रीज हैं, 32 बीआर की डिग्रीज हैं, 303 एमटेक की डिग्रीज हैं, 9 एमआर की डिग्रीज हैं, 50 एमएससी की डिग्रीज हैं, 13 एमबीए की डिग्री हैं और 31 डिग्रीज पीएचडी की हैं। इसी कन्वोकेशन में टोटल हम एक डायरेक्टर मेडल, 36 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल और 11 ब्रॉन्ज मेडल भी सभी बच्चों को देंगे। ये कन्वोकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो रही है। इसमें पीएचडी के छात्र और सभी मेडल लेने वाले छात्र फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस और रैंकिंग सुधारने के लिए संस्थान ने क्या-क्या कदम उठाए हैं? क्वालिटी सुधारने के लिए संस्थान अब नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, और उससे पूरे इंडिया में एजुकेशन का लैंडस्केप चेंज होने वाला है। तो संस्थान ने इसी को मद्देनजर रखते हुए अपने पूरे जितने भी हमारे कैरिकुलम हैं उन सबको हम डेवलप कर रहे हैं, कैरिकुलम को चेंज कर रहे हैं और बाकी संस्थान के साथ उसको अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का फायदा ले सकें। इस प्रावधान को हमने अब इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, और इसी प्रावधान के अंदर एक डिप्लोमा और एक पोस्ट डिप्लोमा भी इसी कन्वोकेशन में दिया जा रहा है। साथ ही क्वालिटी के लिए जितने भी प्रोग्राम हैं इन सब की एक्रेडिटेशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, और संस्थान की दिशा को निर्धारित करने के लिए 15 साल के लिए आगे क्या संस्थान का मेन फोकस रहेगा, उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जा रहा है, और उसमें सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके हम ये देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3.5 करोड़ नई सीट्स हायर एजुकेशन में करने का प्रावधान है। तो मुझे लगता है एनआईटी हमीरपुर एक अग्रणी संस्थान है। हमने भी ये लक्ष्य रखा है कि हर 5 या 6 साल में जितने छात्र यहां पढ़ रहे हैं उतने और छात्र हम एनरोल कर पाए, तो उसका प्रावधान भी किया जा रहा है कि एवरी 5 to 6 ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट शुड बी डबल्ड। इस बार संस्थान की प्लेसमेंट कैसी रही सर? इस बार संस्थान की प्लेसमेंट उत्कृष्ट है, और टोटल 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नया बेंचमार्क सेट करके 1 करोड़ से ऊपर पैकेज पाया है, और इस प्रोसेस को शुरू किया है निशांत हाडा ने, जिसका कि पैकेज है 1.51 करोड़ का, और अभी कल ही 2 और छात्र हैं जिनको कि
1.12 करोड़ का पैकेज मिला है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। और ये जो हमने कुछ स्टेप लिए हैं जिससे कि एकेडमिक और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर पे बच्चों के ज्यादा फोकस किया है, ये उसका नतीजा है। एकेडमिक्स में हमने ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में काफी मेहनत की बच्चों के साथ, साथ में बच्चों को प्रावधान किया पहली बार कि वो 6 महीने की इंटर्नशिप कर सकें। उस इंटर्नशिप को करने से उनमें प्री प्लेसमेंट पैकेज लेने की क्षमता बढ़ गई और इससे हमारे 5 बच्चों को 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज मिला। साथ ही करीब 60-65% के बीच के जो बच्चे हैं वो अब आज की डेट में प्लेस हो गए हैं, जबकि अभी और 5-6 महीने का समय हमारे पास है बच्चों को प्लेस करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार हमारे संस्थान की प्लेसमेंट 100% रहेगी। संस्थान में टीचिंग लर्निंग और रिसर्च के ऊपर मेन फोकस करने के साथ साथ हमने इनोवेशन पेटेंटिंग के ऊपर भी ध्यान दिया है, तो उसके लिए एक प्रावधान किया है कि 1% जो IRG का है, करीब 27 लाख रुपए हमने पेटेंट फाइल करने के लिए, डिजाइन फाइल करने के लिए वो ईयरमार्क किया है, जिसकी जो सुविधा है वो यहां के जितने भी फैकल्टी हैं और स्टूडेंट हैं वो ले पाएंगे। साथ ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के फोकस से स्टार्टअप स्टैंडअप इंडिया में 2% का IRG का प्रावधान किया है, ताकि बच्चे या टीचर सब मिल करके नया स्टार्टअप शुरू कर सकें।